ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनने जा रही है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान में बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के कष्ट और व्यर्थ की चिंताएं चल रही है, इसके लिए दो विशेष सावधानियों की जानकारी भी देंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके वर्तमान में ग्रही स्थिति आपको किस प्रकार का प्रभाव दे रही है। तो इस भविष्यफल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको हम ग्रही स्थितियों से अवगत करा रहे हैं। देखिए, राहु देव आपके कर्म भाव पर, केतु देव आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं, देव गुरु आपके लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं, शनि देव और सूर्य देव की मौजूदगी आपके भाग्य भाव पर बनी हुई रहने वाली है। 15 से लेकर 29 तारीख के बीच में मंगल, बुध और शुक्र की जो मौजूदगी है, तीनों ग्रहों की जो युति है, वो आपके अष्टम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मंगल जो है वो उच्चस्थ अवस्था में आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, क्योंकि मकर राशि में मंगल की मौजूदगी है और मकर राशि में इनको उच्च का भी माना गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा और फरवरी का जो समय है आपके लिए किस प्रकार की फल सूचनाएं देने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। दर्शकों, कर्म भाव पर राहु देव की मौजूदगी है, वहीं कर्म भाव के स्वामी देव गुरु एकादश भाव पर विराजित हैं। वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से कम मेहनत करने के बावजूद करियर में उन्नति और कई प्रकार के अवसर मिलने वाले हैं। दशम भाव प्रभावी है, इसकी वजह से आपको क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता मिलने वाली है। व्यापार में आपको वृद्धि का संकेत और व्यापारिक उपलब्धि का संकेत विशेष रूप से दिखाई देने वाला है। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं भी आपको लाभ देने वाली है। वर्तमान में राशि के जो स्वामी है वो आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको इस समयावधि में अपने आवेग पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। कई कार्यों को एक साथ करने से मिथुन राशि वाले जातकों को बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से हल कर डालेंगे और आपका जो प्रदर्शन है इस समयावधि में जबरदस्त रहेगा। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों मंगल उच्च के होकर आपके अष्टम भाव पर मौजूद रहेंगे और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके राशि के लाभ भाव पर जाएगी और मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी ही माने जाते हैं। और वर्तमान में लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, तो आर्थिक स्थितियों में आपको मिला जुला प्रभाव मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में
आमदनी के साधनों में स्थिरता की कमी जरूर होगी। आमदनी में आपको मेहनत के अनुसार ही धनार्जन होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि समयावधि में आपका लाभ भाव प्रभावी है, तो आप अपने जीवन में यदि मेहनत करेंगे अति सुंदर स्थिति और अपने जीवन में कम प्रयासों से भी ज्यादा लाभ की स्थितियों को बनाने में सफल रहने वाली है। विदेशी संपर्कों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। वर्तमान में यदि आप कोई निवेश कर रहे हैं तो आपको सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि आपका अष्टम भाव काफी एक्टिवेट है। अष्टम भाव पर कई ग्रह प्रभावी हैं, तो यहां पर आपको शेयर बाजार, सट्टा बाजार या लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं सावधानी पूर्वक ही निवेश करें। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाला है। चतुर्थ भाव पर केतु देव की मौजूदगी बनी हुई है, वहीं आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर मंगल जैसे क्रूर ग्रहों की उपस्थिति और क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ेगी, तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में समन्वय बनाकर चलना चाहिए। चतुर्थ भाव पर केतु मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं कहा सुनी और परिवार से दूरियां भी बढ़ सकती है, और बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक तो अपने परिवार से दूर जाकर किसी कारणवश या कार्य व्यवसाय के सिलसिले में रह सकते हैं। ये स्थिति जो है वो आपके जीवन में धैर्य और शांति के साथ यदि चलते हैं तो श्रेष्ठ रहेगी और आपको बेहतर प्रभाव देने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को घर में धार्मिक माहौल बनाकर रखना चाहिए, तो यह समय आपके जीवन में स्थिरता और श्रेष्ठता प्रदान करने वाला है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं और पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का भी संबंध है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष सफलता मिलने वाली है। यदि आप दर्शन शास्त्र रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्रों में जुड़कर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जीवन में यह समय ज्यादा शुभता प्रदान करने जा रहा है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर मंगल के साथ प्रभावी हैं, तो आपको व्यर्थ के विवाद और प्रेम जीवन में व्यवधान और तकरार की स्थिति बन सकती है। वहीं अगर आपको वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव के स्वामी एकादश भाव पर प्रभावी हैं और बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में विराजित हैं। दाम्पत्य प्रेम का योग बनेगा और इस समयावधि में आपके जीवन में वैवाहिक सुखों की बढ़ोतरी भी होने वाली है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं या ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, वर्तमान में आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप इस समयावधि में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव को लेकर परेशान हैं, आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में आपके अष्टम भाव पर मंगल, शुक्र और बुध की उपस्थिति है। इसमें बुध जो है वो आपके राशि के स्वामी है। राशि के स्वामी का अष्टम भाव पर जाना और मंगल के साथ युति बनाना आपके जीवन में आपको शारीरिक रूप से अंदरूनी हिस्सों में किसी प्रकार की समस्या दे सकता है। पेट खराब होने की स्थिति बन सकती है, सिर दर्द की समस्या, पेट में प्रॉब्लम, पेट में गैस बनना, अपच होना। उसके साथ साथ इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को स्किन डिजीज, त्वचा जनित समस्याएं भी होने वाली है। मौसम परिवर्तन से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसके प्रति तो आपको सावधान रहना ही चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य की स्थिति निर्मित करने के लिए आपको दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर जरूर चलना चाहिए। खान पान की आदत का भी आपको ध्यान रखकर चलना है
और वर्तमान में आपको वाहन चलाते समय जरूर सावधानी बरतनी है। तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को रविवार के दिन सूर्य को जल अभिषेक करना काफी बेहतर रहेगा। हालांकि रोजाना सूर्य देव को जलाभिषेक करके सूर्य नमस्कार आप जरूर करें। वर्तमान में बुध की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है तो आपको इस समयावधि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना काफी बेहतर रहेगा या ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना अपने रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं, कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष को और बुधवार के दिन पूर्ण रूपण प्राण प्रतिष्ठा और अभिमंत्रित करके यदि आप पहनेंगे तो आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति काफी श्रेष्ठ बनेगी और आपको शुभता ज्यादा मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।